हेलो भाइयों, आज मेरे साथ में है R700 LTR स्नाइपर राइफल, जो कि बैटलफील्ड हार्डलाइन में है, रिकॉन क्लास के लिए दी गई है। और क्या उस क्लास का नाम क्या है, शायद ऑपरेशनल, पता नहीं, यही कुछ सा नया शायद उसका नाम है। और ये जो आप मिनी गन देख रहे हो, जो सेकेंडरी वेपन के तौर पे मिला हुआ है हमें, TEC ऐसे कुछ नाम है इसका। और इतनी खतरनाक है साली, इसका नाम क्या भी मालूम पड़ेगा, TEC 9। बहुत ज़बरदस्त ये मिली है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हार्डलाइन में इन्होंने ऐसे वेपन्स दिए हैं जिसको देखकर आपकी खरीदने की चाह बढ़े। हार्डलाइन गेम को, जैसे कि M16A3 दे दी इन लोगों ने, जो सब कुछ लोग सोच रहे थे कि यार बैटलफील्ड के लास्ट या तो ड्रैगन स्टीट DLC में हमें मिल जाएगी, क्योंकि ड्रैगन स्टीट DLC में तो अब नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि फाइनल स्टैंड में हमें ये गन M16A3 देखने मिले। पर यहाँ पे बहुत अच्छी किल स्ट्रीक मेरी चल रही थी, सिंगल शॉट किल, या मतलब बहुत मज़ा आया खेलकर। जब भी क्लोज क्वार्टर में आप अच्छा करते हो स्नाइपर राइफल से, तो आपको बहुत मज़ा आता है। और अधिकतर उसमें सेकेंडरी वेपन के शॉट थे, और गजब कैरियर किल किया है मैंने, कैरियर टेक डाउन यहाँ पे। और अगर आपने एक बात नोट करी हो, तो इसमें जो जूम इन स्कोप, जब आप जूम इन करते हो स्नाइपर राइफल से, तो आपका जो जूम इन एरिया है वो बढ़ जाता है, बिल्कुल सिमिलर टू बैटलफील्ड 3 है। बैटलफील्ड 4 में अगर आप स्नाइपिंग करते हो, तो जूम इन एरिया बहुत कम है, जब जब भले आपके हाथ में 8x स्कोप भी हो, या कोई कोई भी स्कोप हो, उसका जो गोल गोलाई आकार का जो जूम इन एरिया होता है वो काफ़ी कम है बैटलफील्ड 4 में। वही चीज़ आप देखोगे हार्डलाइन में ज़्यादा है। कहने का मतलब यही है कि हार्डलाइन और बैटलफील्ड 3 का जो जूम इन एरिया होता है स्नाइपर राइफल का, वो एकदम मुझे यहाँ पर बराबर लग रहा है। पर कैसी है ये वेपन, मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद इसका 63 का फायर रेट है कुछ R700 LTR का, पर इसने गधे ने, हाँ, ये मेरे को नो स्कोप मारने की कोशिश कर रहा था, हेडशॉट मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इसने 3 शॉट मारे मुझ पर, ये मुझे मार सकता था, पर ये नो स्कोप करने की कोशिश कर रहा था। तो यही बात है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे स्नाइपर राइफल। और मैंने इसमें 6x स्कोप भी इक्विप किया, पर मुझे इसमें कुछ खास फर्क नहीं मालूम पड़ा। बिल्कुल बैलिस्टिक स्कोप तो है ही, पर बिल्कुल 8x स्कोप जैसा ही लगता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, बैटलफील्ड 4 का 6x स्कोप काफ़ी अलग है, और इस राइफल का 6x स्कोप बिल्कुल 8x जैसा ही है। मुझ कुछ भी फर्क नहीं मालूम पड़ता, पता नहीं क्यों, या वो क्लिच चल रहा था क्या। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या, मुझे समझ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों मैंने स्कोप इक्विप करके देखे और दोनों के दोनों एक जैसे चल रहे थे। तो स्कोप के बाद अब बारी आती है छोटी सी जानकारी की, और वो ये है कि इस बार फिलहाल बीटा में आप चॉपर के अंदर पायलट को हेडशॉट नहीं मार सकते। मैंने भी जो हेडशॉट मारे थे, ये इस वैन में तो मार ही सकते हो, कार में मार ही सकते हो, पर जो आर्मर्ड व्हीकल है ना, जो सबसे बड़ा वाला जिसमें LAV टाइप की गन्स दी गई हैं और 50 कैल गन दी गई है, उसमें आप उसमें नहीं मार सकते, और चॉपर में नहीं मार सकते, क्योंकि मैं तो नहीं मार पाया, चॉपर में तो मार ही नहीं सकते, इतना मुझे कन्फर्म है। और वो आर्मर्ड व्हीकल में भी मैं नहीं मार पाया, काफ़ी मैंने ट्राई किया। शुरुआत में भी जो आपने देखा, वो मैंने गनर का हेडशॉट मारा था। तो ये है इस बार हार्ड लाइन में। पर मैं क्या बोलूँ, गेम प्ले स्नाइपर राइफल का अलग, बिल्कुल हाँ अलग है, बैटलफील्ड 4 से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये स्नाइपर राइफल ही डिफरेंट है। पर एक बात और बोलनी होगी, इसमें जो मूवमेंट है कैरेक्टर का, वो भी थोड़ा सा अलग है बैटलफील्ड 4 से। और अगर मैं मज़े की बात करूँ, तो बैटलफील्ड हार्डलाइन खेलने में मुझे मज़ा तो आया, उसको मैं नकार नहीं सकता, हाँ बिल्कुल मज़ा आया, पर जो फैक्ट है उसको भी मैं काउंट करूंगा, ये गेम भाइयों 5,000 का PS4 पे और PC पे 4,000 का नहीं है, उतना नहीं है। अगर 1,000 रुपये का DLC एड ऑन होता तो फटाक से हम लोग ले लेते, पर नहीं है, बहुत हैवी हो गया यहाँ पे। और सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आप क्लिप देखोगे, ये बहुत ही हास्यप्रद है, बहुत ही फनी है। अब देखो, अगर ऐसा करने मिले, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि मुझे यहाँ ज़मीन पे कहीं पे लोगो स्प्रे करने मिले। अगर आप चाहते हो स्प्रे करना, तो आप सी बटन दबा के आपका जो भी एम्बलम है आप स्प्रे कर सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की कि ज़मीन पर स्प्रे हो जाता यार, पर अभी नहीं हुआ, देख रहे हो भैया जी स्माइल। देखा आपने भैया जी स्माइल। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि यहाँ नीचे फ्लोर पर हो, पर हो ही नहीं रहा था। सड़क पे तो हो जाता है यार, मुझे समझ में नहीं आया फ्लोर पे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कांच पे भी हो जाता है, और अगर नीचे आप जो ग्राउंड है यहाँ, इस पर भी हो जाता है, पर वहाँ कुछ कारणों से नहीं हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों। पर अगर आप सोचो किस जिस तरह के एम्बलम आजकल बन रहे हैं, गंदे गंदे, अगर मान लो कितनी संभावनाएं बढ़ जाती है यार, मतलब ऐसे तो ट्रोल वीडियो इसके कितने आगे जाएंगे। अगर ऐसे ट्रोल वीडियो बंदे बनाने में सफल हो गए, काफ़ी बंदों को आप देखते हो जिनके मन में ट्रोल ही ट्रोल घूमता रहता है, और वो इसी तरह के ट्रोल वीडियो बनाने में ही यूट्यूब पर बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर उन लोगों के पास, उन लोगों को ऐसी क्लिप मिल गई कि जहाँ पे उन्होंने अपना
जैसा चाहा वैसा एमलेम लगाया और फिर उस बंदे को मारा। तो बहुत सही बोल रहा हूँ, बहुत ही हास्यप्रद होने वाला है, बहुत मज़ा नहीं है पर एक 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 हद तक आपको अच्छा भी लगता है, कभी कभी हंसी भी आती है, पर ज़्यादा तो ये मुझे लग रहा है कि इससे बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस पर एम्बलम पर आपको 18+ मार्क करने की बहुत बहुत आवश्यकता, और ये को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत, मुझे लग रहा है ये इस पे देख भी रही होगी कि कहीं कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए जिस तरीके से आप Battlefield 4 में एम्बलम देखते हो। और अब मैं बात करूंगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी, खासकर ईए, कोई भी नहीं, कि हर बार जब भी इनका बीटा लॉन्च करते ना, क्या बोलते, अरे यार अभी बीटा ही तो है, बीटा है मतलब बग्स आएंगे, ये मान के चलो, बीटा इट मीन्स बग्स, सो यू हैव टू फेस बग्स। तो हमारी इन्होंने बना ऐसी दी ना मानसिकता कि ये लो आ गए हम बग में, हम आ गए हैं नीचे अंडरग्राउंड बैटलफील्ड हार्डलाइन के अंदर, और ना मुझे कोई मार सकता है और ना मैं किसी को मार सकता हूँ यहाँ पर। पर आप देखो हमारी ऐसी मानसिकता इन लोगों ने बना दी है कि बस हाँ बीटा है मतलब बग है। अरे भाई मैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाइयों, बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पर हंसी आ रही है मुझे, पर बहुत सीरियस टॉपिक है और मैं किसी दिन लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मैं आपको अपने एकदम एकदम जल कुकड़े थॉट्स बताऊंगा मैं इस पर, बहुत खतरनाक थॉट्स है मेरे। फिलहाल अपन ड्राइव करते हैं थोड़ा नीचे यहाँ वहाँ। अरे यार हर इनका हर गेम बगी, मुझे लगता है कहीं इसका Frostbite 3 ही तो बगी नहीं है, पूरा इनका Frostbite 3 इंजन ही तो बगी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मेरे पास अभी बहुत सी क्लिप्स हैं। CTE भी मैंने डाउनलोड किया है, Battlefield 4 का CTE, और उसमें यार पिछले 4 दिन में, छोड़ो पिछले 10 दिन में, दो दो GB के कम से कम 4 अपलोड उसमें पैच आ चुके हैं, CTE में ही 4 अपग्रेड पैच आए हुए हैं, बताओ आप। तो यही है भाइयों, और उस पर मैं लंबा डिस्कशन ज़रूर करूंगा जैसा कि मैं भी आपको कह रहा हूं, और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ तो भी हो रहा है। मुझे मालूम था मैं इनको मार नहीं सकता पर मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था, और एंड में तो आप देखो मैंने इसको C4 लगाई बंदे को और मैं काफ़ी पीछे गया, उसके बावजूद मेरा अंत हो गया। तो भाइयों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय।